हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकांग वर्सेस कोलून क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाले 10th वनडे मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 7:30 बजे सवेरे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर विकेट कीपर बहुत लंबी लिस्ट है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स है, बॉलर्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लगभग 40-50+ प्लेयर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान काम होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर वीडियो को पूरे एंड तक देख लेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ पूरे स्टैट्स के साथ आपको टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। और वो टॉप 11 प्लेयर्स के साथ आप कोई भी लीग, ग्रैंड लीग हो, कोई भी लीग हो, आप क्रैक कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और एक और काम आपको करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जाकर इस तरह सर्च करना फ्रेंड्स, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करते हैं, मेरा चैनल हो जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपर है, तो यहाँ पर हम लोग 1-2 विकेट कीपर को लेने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्लेयर है जेमी एटकिंसन, अगर इनकी बात करें तो विकेट कीपर है। अगर इनकी बात करते हो, लास्ट 5 मैच में यहाँ पर 0, 14, 6, 25, 37 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी बेस्ट है 37 रन, 25 रन और 14 रन है। उसके बाद क्रिस कार्टर की बात करते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो 26, 7, 15 नॉट प्ले और 2 रन है। उसके बाद यहाँ पर टॉम युसिंगा की बात करें तो फ्रेंड्स, लास्ट मैच में इनको मौका दिया गया तो वहाँ पर बहुत अच्छे बैटिंग किए फ्रेंड्स, 54 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर जीसन अली विकेट कीपर है, 8 रन प्लस 0 विकेट, 9 रन, 63 रन बनाए और 7 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट 2 मैच में एक अच्छे स्कोर्स बनाए, 63 एक अच्छे अर्धशतक है। तो यहाँ पर बॉलिंग किए, तो इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जीसन अली विकेट कीपिंग करने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद रावेद इतेसम, अगर इनकी बात करें तो 4 रन नॉट प्ले, 8 रन, 1 रन और 0 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 विकेट कीपर हैं, यहाँ पर बहुत विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही विकेट कीपर पर जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जेम्स एटकिंसन है, उसके बाद आपको चाहे तो क्रिस कार्टर अभी तक नहीं खेला फ्रेंड्स, लेकिन इनकी लास्ट 5 मैच की स्कोर कार्ड है। तो टॉम ह्यूसिंगा को लास्ट मैच में मौका मिला तो अर्धशतक बनाए और जीसन अली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 में 1 और 2 प्लेयर पर जाए, तो जीसन अली, जेम्स एटकिंसन और टॉम ह्यूसिंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉम ह्यूसिंगा ने लास्ट मैच में एक अच्छे पारी खेले, 54 रन बनाए और जीसन अली की एक अर्धशतक है, 63 रन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जीसन अली और टॉम ह्यूसिंगा में दोनों में एक को लूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉम ह्यूसिंगा को मैंने पिक कर लिया। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पर मैं 3-4 बैट्समैन को लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला बैट्समैन है बाबर हयात, अगर इनकी बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 रन, 17 रन, 33 रन, 61 रन, 81 रन और 28 रन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो 2 अर्धशतक लगाए, इनकी बेस्ट भी अच्छी है फ्रेंड्स, 33, 61, 81, 28, 17 रन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबर हयात को कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद सिमनदीप सिंह की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1+0 विकेट, 3 रन, 31 रन, नॉट प्ले, 9 और 1 रन बना के आउट होंगे और इनकी बेस्ट की बात करें तो 31 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिमनदीप सिंह को कट कर दीजिए। उसके बाद मोहम्मद खान की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मैच फ्लॉप हुए हैं, 2 रन, 0 रन, 6 रन बना के आउट हो गए, लेकिन एक मैच में अर्धशतक बनाए 51 रन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लेयर इस तरह है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देवंग बलसारा, अगर इनकी बात करें तो 6-2, 5 नॉट प्ले, 6 है, तो अवॉइड कर दीजिएगा फ्रेंड्स इस प्लेयर को। उसके बाद सन्नी बीम सारिया की बात करें तो 1-3, 4+0 विकेट है। उसके बाद जेडन बॉटफील्ड की बात करते हैं, 1 रन नॉट प्ले, 26 है, अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। हफीज खान की बात करते हैं, 11 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन नॉट प्ले, 12 रन है। उसके बाद हमेद खान की बात करते हैं फ्रेंड्स, 22, 12, 20, 25, 23। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग देखा जाए तो हर मैच में 20+ रन है। उसके बाद आलियन जहीर की बात करते हैं, 6-2, 0 नॉट प्ले, 0 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो अभी हम लोग 3 बैट्समैन को लेने वाले हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक प्लेयर को कंफर्म किया बाबर हयात को, उसके बाद एक और प्लेयर को मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पर मोहम्मद खान को, उसके बाद एक और प्लेयर को मैं लेने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर हमीद खान को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो मैं 3 बैट्समैन को ले लिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद किसी भी प्लेयर्स के खास स्टैट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हफीज खान है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमीद खान है, हेज खान दो लोग हैं, हमीद खान को हम लोग को लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर है मोहम्मद खान, तो फ्रेंड्स यहाँ पर खान है, खान के खान लिस्ट है पूरा, तो मोहम्मद खान है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमीद खान है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं 3 बैट्समैन को लिए, उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3-4 ऑलराउंडर यहाँ पर लेने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो ऑलराउंडर पहला प्लेयर है वकास बकरात। अगर इनकी बात करें तो 27 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 27 जीरो विकेट 1 विकेट, 8 रन 2 रन प्लस 1 विकेट, 34 रन प्लस 1 विकेट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो इस मैच के अलावा हर मैच में इनको विकेट मिला, आप चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर एजाज खान, 63 वन विकेट, 18 रन कोई विकेट नहीं, 33 रन वन विकेट, 1 रन 2 विकेट, 23 रन 1 विकेट और 0 रन और 5 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर मैच में विकेट मिला इस मैच के अलावा। एजाज खान एक अच्छे ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, इनको जरूर पिक कीजिएगा। उसके बाद तनवीर अफजल की बात करें तो फ्रेंड्स 80 रन 2 विकेट, 64 रन 2 विकेट, 4 रन प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट है। उसके बाद अली नईम की बात करें तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर है, 1 विकेट 1 प्लस 0 विकेट है। उसके बाद अनस खान की बात करें तो 4 प्लस 1 विकेट, 7 प्लस 0 विकेट, 31 रन प्लस कोई विकेट नहीं, 1 रन प्लस कोई विकेट नहीं, 2 रन प्लस 1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 3 ऑलराउंडर यहाँ पर लेने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलराउंडर को मैं अवॉइड कर ही दे रहा हूँ, अली नईम और यहाँ पर अनस खान को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तनवीर अफजल अच्छे स्टार्ट से फ्रेंड्स लास्ट 2 मैच में अर्धशतक तक बनाए। उसके बाद है एजाज खान, वकास बकरात। तो फ्रेंड्स वकास बकरात, एजाज खान, तनवीर अफजल को लेने वाला है। तनवीर अफजल, वकास बकरात और यहाँ पर एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर ए खान, अनस खान। अनस खान को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, एजाज खान है फ्रेंड, एजाज खान को यहाँ पर मैंने ले लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 3 बैट्समैन मिल गए, 3 ऑलराउंडर। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलर्स की, तो बॉलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 4 बॉलर को लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलर्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो बॉलर यहाँ पर 11 बॉलर हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर 4 बॉलर्स को पिक करने वाले हैं। तो पहला बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर डैनियल पास्को। अगर इनकी बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट, 12 रन प्लस 1 विकेट 1 विकेट, 0 रन प्लस 2 विकेट, 11 रन प्लस 3 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट मैच के अलावा इनको हर मैच में विकेट्स मिला, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डैनियल पास्को आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद एशली कैडी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 रन 3 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट, 2 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, नॉट प्ले है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट 2 मैच में इनको 4 विकेट मिला। विकास शर्मा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 0 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लास्ट 7 मैच में इनको यहाँ पर 3 विकेट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विकास शर्मा को आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अतीब इकबाल की बात करें तो 7 रन 3 विकेट 2 विकेट, यहाँ पर दोनों मैच में विकेट नहीं मिला, 1 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अतीब इकबाल को आप कन्फर्म कर सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर जैसन डेविडसन। अगर इनकी बात करें तो 5 रन कोई विकेट नहीं, 6 रन एक कोई विकेट नहीं, 1 विकेट 5 विकेट, 4 विकेट कोई विकेट नहीं, फिर 16 रन प्लस 2 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मैच में विकेट नहीं मिला, जब विकेट मिले तो अच्छे विकेट्स नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 विकेट 5 विकेट 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसन डेविडसन आपको यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट प्लेयर है। उसके बाद नियाज अली की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मैच खेले, यहाँ पर 3 मैच में यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 विकेट इनको मिला, 6 रन 3 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट है। उसके बाद आहन त्रिवेदी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको भी अच्छे विकेट्स मिले, 7 रन प्लस 2 विकेट, 5 रन प्लस 2 विकेट, 1 विकेट, दोनों मैच में नॉट प्ले, फिर यहाँ पर एक मैच में खेले फ्रेंड्स वहाँ पर भी 1 विकेट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आहन त्रिवेदी भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद हुफजा की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हो 0 प्लस 3 विकेट, 19 प्लस 5 विकेट, फिर यहाँ पर दोनों मैच में विकेट नहीं, फिर 2 प्लस 2 विकेट। मोहम्मद हुफजा भी हम लोग के लिए बेस्ट बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर। मोहम्मद वाहिद की बात करें तो 5 रन 1 विकेट, 1 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 रन प्लस 2 विकेट है। उसके बाद एक और बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दुल रौफ। अगर इनकी बात करें तो अभी तक नहीं खेले हैं फ्रेंड्स, 2 मैच 1 इनिंग्स 5 रन 5 की औसत है, लेकिन इस प्लेयर को अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हसन खान मोहम्मद की बात करें तो 3 प्लस 0 विकेट, 23 प्लस 2 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 29 प्लस 1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को अवॉइड करके आपको यहाँ पर हर प्लेयर को लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर की घटा के आप यहाँ पर 2 ऑलराउंडर पे जाइए, 5 गेंदबाजों पे जाइए, यहाँ पर आपको इस तरह जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, मैं आगे ऑलराउंडर को घटाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑलराउंडर में यहाँ पर वकास बकरात और एक खान में दोनों में एक ऑलराउंडर को घटाएं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर मैं गेंदबाजों पे जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लास्ट से जाने वाला हूँ। मोहम्मद वाहिद की बात करें तो इस प्रकार है फ्रेंड्स। हुफजा की बात करें तो यहाँ पर 3 विकेट 5 विकेट प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2 विकेट है। तो पहले हम लोग यहाँ पर हुफजा को पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हुफजा को मैंने पिक कर लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लेयर हमको मिल गया। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स आहन त्रिवेदी। अगर इनकी बात करें तो 7 प्लस 2 विकेट, 5 प्लस 3 विकेट, 1 विकेट, नॉट प्ले दोनों मैच में, फिर 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आहन त्रिवेदी को कंफर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आहन त्रिवेदी की बात करें तो यहाँ पर आहन त्रिवेदी को मैंने ले लिया। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स नियाज अली। अगर इनकी बात करें तो 6 प्लस 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नियाज अली को भी पिक कीजिए आप पहले।
तो फ्रेंड्स नियाज अली अभी तक तो नहीं खेले इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो अगर ये खेलेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्योंकि 10th वनडे मैच आ गए, अगर ये खेलता तो अभी तक मौका मिलता तो ये अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर ये खेलेंगे तो फ्रेंड इनको जरूर टीम में लेना। तो नियाज अली को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जेसन डेविडसन है। फ्रेंड्स यहाँ पर जेसन डेविडसन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन एक विकेट, पांच विकेट, चार विकेट, उसके बाद कोई विकेट नहीं, फिर दो विकेट। तो फ्रेंड्स ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट है। तो जेसन डेविडसन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जेसन डेविडसन यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक तो खास परफॉर्मेंस नहीं निकला दो मैच से, लास्ट दो मैच हैं तो, लेकिन यहाँ पर इस प्लेयर को आप कन्फर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थ्री बॉलर्स को हम लोग पिक कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जेसन डेविडसन होने के बाद अतीब इकबाल है फ्रेंड्स यहाँ पर, 7 रन 3 विकेट 2 विकेट, फिर यहाँ पर कोई विकेट नहीं, एक विकेट, दो विकेट और चार विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अतीब इकबाल को कंफर्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अतीब इकबाल की बात करें तो अतीब इकबाल को मैंने ले लिया। उसके बाद हसन खान बचे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, वाहिद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हसन खान वाहिद में आप लोग यहाँ पर एक प्लेयर पर जा सकते हो। अगर हसन खान की बात करें तो डैनियल पैस्कोई की अच्छे स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर हसन खान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद की देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 23 रन प्लस 2 विकेट 2 विकेट 29 रन प्लस 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हसन खान को आप चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो बेस्ट टीम बनी है फ्रेंड्स यहाँ पर। मैं यहाँ पर कोलून क्रिकेट क्लब की 7 प्लेयर्स को पिक किए और यहाँ पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकॉन्ग की बात करें यहाँ पर 4 प्लेयर्स हैं। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप सेफ टीम बनाना चाहते हो हेड टू हेड के लिए तो किस प्रकार का आपको बनाना चाहिए, तनवीर अफजल आपको बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन में। अगर यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स ए इकबाल भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर त्रिवेदी है फ्रेंड्स यहाँ पर, हुब्जा है, लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको बेस्ट प्लेयर को मुझे देना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्लेयर में इकबाल अच्छा है फ्रेंड्स यहाँ पर, पॉइंट्स भी अच्छे हैं इनके, त्रिवेदी भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी टीम बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे। तो यहाँ पर टीम प्रीव्यू में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हुसिंगा को मैंने लिया। अगर आपको नहीं यहाँ पर विकेट कीपर को आपको घटाना है तो फ्रेंड्स एक काम कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर जीसन अली को कन्फर्म कर लीजिए। अगर इस प्रकार लग रहा है तो जीसन अली को मैं कन्फर्म किए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जीसन अली भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद बैट्समैन में हयात है फ्रेंड्स यहाँ पर, एम खान है, हिज खान है, और यहाँ पर ऑलराउंडर पे तनवीर अफजल, वकस बरकत है। तो उसके बाद यहाँ पर हसन खान, ये इकबाल, डेविडसन, त्रिवेदी और हुब्जा है फ्रेंड्स यहाँ पर। कैप्टन वाइस कैप्टन में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तनवीर अफजल और यहाँ पर ये इकबाल को मैंने कन्फर्म किया। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको सर्च करना, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, इस तरह सर्च करते हैं मेरा चैनल्स हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, 10th वनडे मैच फ्रेंड्स यहाँ पर हांगकांग प्रीमियर लीग वनडे टूर्नामेंट है और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 7:30 बजे होने वाला है और ये मैच कोलून क्रिकेट क्लब हांगकांग में कोलून में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर दोनों टीम की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स पाकिस्तान ने एसोसिएशन ऑफ हांगकांग की बात करें 3 मैच खेले हैं, एक मैच जीते, एक मैच हारे, एक मैच टाई हुआ बारिश की वजह से जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पर हांगकांग क्रिकेट क्लब की बात करें तो 4 मैच खेले हैं, 2 मैच में तो हांगकांग अभी नहीं खेल रहे फ्रेंड्स, कोलून खेल रहे हैं, कोलून का भी सेम है फ्रेंड्स, 3 मैच में एक मैच जीते, एक मैच हारे, एक मैच यहाँ पर नेट रन रेट पॉइंट्स मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों की सेम पोजीशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड वर्सेस थर्ड पोजीशन के बीच में ये मैच होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए। अगर यहाँ पर पिच की बात करें तो बॉलिंग के लिए फेवरेबल है फ्रेंड, तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई, जब पिच बॉलिंग के लिए फेवरेबल है तो यहाँ पर मुझे बॉलर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो इसलिए मैं 5 बॉलर्स प्लस 2 ऑलराउंडर्स को यहाँ पर मैंने पिक किया क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर इस तरह टीम बनाऊंगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैं अच्छा अमाउंट जीत सकता हूँ। अगर यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो दोनों टीम की सेम फॉर्म है फ्रेंड, दोनों टीम ने लास्ट मैच हारे हैं और यहाँ पर एक एक मैच जीते, एक मैच हारे हैं। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको मैंने सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।